नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता वर्मा, एकेडमिक कंसल्टेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि सेविंग्स क्या होती हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और इन्वेस्टमेंट में भी हम ये जानेंगे कि कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेविंग्स से। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर तथा रोजगार का स्तर निर्धारित करने में विनियोग की मात्रा का बहुत बड़ा हाथ होता है। विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट तथा बचत यानी कि सेविंग्स का एक दूसरे से संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि इन दोनों का अध्ययन प्रायः एक साथ किया जाता है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार उपभोग पर किए गए व्यय से अधिक आय ही बचत है, या दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो बचत आय का वह शेष है जो उपभोग संबंधी व्यय करने के पश्चात बच जाता है। Y is equal to I plus C, Y is income, I is investment and C is for consumption. So we can say S is equal to Y minus C or Y is equal to S plus C. Therefore we can say that S is equal to I. यानी कि saving is equal to investment. और सरल शब्दों में यदि हम savings की बात करें, depositing the cash in a place where it is safe. यानी कि हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हो जिससे हमें मिनिमम रिटर्न्स आ रहे हों और हमें बहुत कम रिस्क हो, या फिर हम ये कहें कि हमारा पैसा इमरजेंसी के लिए हमारे पास हैंडी फॉर्म में हो। बचत मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला प्राइवेट सेविंग, दूसरा पब्लिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग वह सेविंग है जिसमें कोई हाउसहोल्ड अपने टैक्सेस और कंजम्पशन एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा अपने लिए बचाता है, द अमाउंट ऑफ इनकम, उसको हम प्राइवेट सेविंग्स कहते हैं। और पब्लिक सेविंग इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू व्हिच द गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद फॉर स्पेंडिंग इज नोन एज पब्लिक सेविंग। अब हम बात करते हैं बचत तथा उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है लेवल ऑफ इनकम यानी कि आय का स्तर। सैद्धांतिक रूप में बचत तथा उपभोग का स्तर किसी देश में राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करता है। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति प्रबल होती है, परंतु समस्त आय के प्रतिशत के रूप में उपभोग व्यय कम हो जाते हैं, इससे बचत की दर अथवा प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन देशों में आय का स्तर नीचा होता है वहाँ लोगों की बचत करने की क्षमता भी कम होती है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है शुद्ध आय की मात्रा यानी कि नेट इनकम। कुल आय तथा शुद्ध आय में अंतर उपभोग तथा बचत की मात्रा को प्रभावित करता है। व्यापारिक कंपनियां तथा औद्योगिक संगठन अपनी संपूर्ण आय का वितरण नहीं करते, कुल आय का एक भाग कोष निधि अथवा अपकर्ष डेप्रिसिएशन खाते में डाल देने के पश्चात ही अंशधारियों को लाभांश बांटा जाता है। इस प्रकार उपभोग की मात्रा कुल आय की अपेक्षा कुल शुद्ध आय की मात्रा से अधिक प्रभावित होती है। दूसरा है प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर। कीमत स्तर में वृद्धि होने पर यदि लोगों की आय अपरिवर्तित रहती है तो उनकी वास्तविक आय रियल इनकम गिर जाती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों को अन्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय कम करना पड़ता है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण आय तथा रोजगार का स्तर गिर जाता है। इन परिस्थितियों में बचत की मात्रा कम होना स्वाभाविक ही है। तीसरा है ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि ब्याज दर ऊंची होने पर लोगों में बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और वे उपभोग व्यय गिरा देते हैं। इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि यदि बचत को बढ़ाना है तो ब्याज दर को ऊंचा होना आवश्यक है। प्रोफेसर केन्स के विचार में बचत तथा ब्याज दर में बहुत अधिक निकट अथवा विश्वसनीय संबंध नहीं है। चौथा है गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी यानी सरकार की कर नीति। आय
लाभ, संपत्ति तथा उत्पादन आदि पर करों का भार बढ़ा देने से बचत की प्रवृत्ति कम हो सकती है और उपभोग की प्रवृत्ति प्रबल। करों की अदायगी के लिए लोगों को बचत करने के लिए बाध्य तो किया जा सकता है, परंतु ऐच्छिक बचत की मात्रा कम हो जाती है। पांचवा है सिक्योर फ्यूचर। जब लोगों को यह विश्वास होता है कि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सिक्योर है, तो वो सेविंग्स को ऑप्ट नहीं करते हैं। यही जब इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट होता है तो वे ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स या बचत करने लगते हैं। अब हम तीसरे फैक्टर्स यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करते हैं। उपभोग तथा बचत की प्रवृत्तियां कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी प्रभावित होती हैं। समाज में व्यक्ति इन भावनाओं से प्रेरित होकर अधिक बचत करते हैं। जैसे पहला है प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमारे हार्ड टाइम के लिए हम ज्यादा बचा के रखते हैं। फोरसाइटेडनेस यानी भविष्य में जब हम बूढ़े होंगे तो उसके लिए हमें सेव करना है। तीसरा है प्रॉफिट्स, हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें एक सप्लीमेंट्री इनकम आती रहे। चौथा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, धनवान होकर समाज में गौरव तथा सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना। एंटरप्रेन्योरल मोटिव कि हम फ्यूचर में या आने वाले भविष्य में कोई अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाएं या शुरू कर पाएं, उसके लिए भी हम बचत करने लगते हैं। अब हम आते हैं बचत के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स में। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व्यक्तिगत बचत में वृद्धि को ही कुल सामुदायिक बचत में वृद्धि का आधार मानते थे। वे न केवल व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में थे, बल्कि इसे व्यक्ति तथा समाज का महान गुण समझते थे। इस विचारधारा के विपरीत प्रोफेसर केन्स ने व्यक्तिगत बचत का तीव्र विरोध किया और इसे एक सामाजिक बुराई, सोशल इविल माना। याद रहे कि केन्स के विचार 1930 के महामंदी से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित थे और उनका मुख्य उद्देश्य इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि के द्वारा रोजगार तथा आय के स्तर को ऊंचा करना था। वर्तमान परिस्थितियों में जब प्रत्येक देश आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए साधन जुटाने में अधिक प्रयत्नशील है, बचत के महत्व को फिर से स्वीकार कर लिया गया है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट में। विनियोग की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी में लिखा है कि इस विनियोग से हमारा अभिप्राय एक काल के भीतर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से होना चाहिए। डडले डेलार्ड ने केन्स द्वारा दी गई परिभाषा को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि ही विनियोग है। इस प्रकार विनियोग से हमारा अभिप्राय वास्तविक पूंजी कोष में वृद्धि से होता है, या विनियोग आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं अर्थात अधिक आय कमाने वाली वस्तुओं के रूप में बचाकर रखा जाए। अब हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कुल विनियोग की। कुल विनियोग से अभिप्राय किसी दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था में कुल वास्तविक विनियोग की मात्रा से होता है। संपूर्ण वास्तविक विनियोग का उपयोग उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका कुछ भाग उत्पादन सज्जा, मशीनों आदि की टूट फूट अथवा अचल पूंजी की घिसावट को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को समान बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कुल विनियोग का कुछ भाग प्रतिस्थापन मांग का रूप धारण कर लेता है। फिर है शुद्ध विनियोग यानी नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कुल विनियोग का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था की कुल विद्यमान उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि का सूचक है। कुल विनियोग अथवा शुद्ध विनियोग में समानता तभी संभव है जब किसी अर्थव्यवस्था में टूट फूट तथा घिसावट आदि के कारण पुरानी मशीनों तथा उत्पादन सच्चा का प्रतिस्थापन करने की कोई समस्या ना हो, परंतु वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। इसलिए शुद्ध विनियोग कुल विनियोग के समान ना होकर उससे कम होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट रियल इन्वेस्टमेंट। उत्पादन में वृद्धि तथा भविष्य में लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में पूंजीगत पदार्थों का निर्माण जब सोच समझकर किया जाता है तो वो नियोजित अथवा ऐच्छिक विनियोग यानी प्लांट रियल इन्वेस्टमेंट होता है।
और इसके विपरीत बाजार में बिक्री के अभाव में जब विक्रेताओं के पास उत्पादित वस्तुओं का अविक्रित स्टॉक रह जाता है, या केन्स के शब्दों में कहें तो अधिक मात्रा में तरल पूंजी एकत्रित हो जाती है, इसको हम अनियोजित अथवा अनैच्छिक विनियोग अनप्लान्ड रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी प्रेरित विनियोग की। प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन अथवा आय के परिवर्तन द्वारा निर्धारित होने वाला विनियोग प्रेरित विनियोग या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। समाज में व्यक्तियों की उपभोग्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि होने पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, जिनकी पूर्ति करने के लिए उद्यमकर्ता विनियोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित विनियोग की मात्रा आय में वृद्धि अथवा कमी के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। फिर है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यह आय के परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, अर्थात आय निरपेक्ष यानी इनकम इनइलास्टिक होता है। वह पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रत्यक्ष रूप में समर्थ मार्ग में होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रभावित नहीं होता है, उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या हैं। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर में परिवर्तन विनियोग की लागत को प्रभावित करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विनियोग को इंटरेस्ट इलास्टिक मानते थे। उनका विश्वास था कि ब्याज दर में कमी होने पर विनियोग की लागत कम होती है और परिणाम स्वरूप विनियोग की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत ब्याज दर में वृद्धि होने से विनियोग में कमी हो जाती है, इसलिए उन्होंने बैंक दर को आर्थिक स्थिरता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र माना था। विनियोग को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की सीमांत दक्षता। केन्स के विचार के अनुसार विनियोग के लिए पूंजी की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूंजी की सीमांत क्षमता ही है। उद्यमकर्ता विनियोग संबंधी निर्णय पूंजी की लागत, ब्याज दर अथवा उसकी संभावित लाभ की मात्रा के आधार पर करता है। उद्यमकर्ता का लाभ संबंधी आशंसाएं अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। अल्पकालीन आशंसाएं मूल्य, लाभ, मांग, वेतन और ब्याज की दर आदि आंतरिक तत्वों द्वारा प्रभावित होती हैं, जबकि दीर्घकालीन युद्ध, जनसंख्या में वृद्धि, आविष्कार, नवीन प्रक्रिया, विदेशी व्यापार इत्यादि अनेक बाह्य कारणों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग की सुविधाएं। ब्याज की दर तथा पूंजी की सीमांत क्षमता के अतिरिक्त विनियोग की मात्रा इस बात से प्रभावित होती है कि देश में विनियोग के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। विनियोग के स्रोतों की न्यूनता अथवा बाहुल्य देश के आर्थिक स्थिति के स्तर पर निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास कम हुआ है परंतु प्राकृतिक अथवा मानवीय साधनों की कमी नहीं है, तो नए नए क्षेत्रों में विकास के लिए पूंजी लगाने से यथेष्ट लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक होंगी। इन परिस्थितियों में विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार अर्धविकसित तथा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में विनियोग की मात्रा में वृद्धि करने की अधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। चौथा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। विनियोग की मात्रा पर तकनीकी परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है, परंतु यह प्रभाव किस प्रकार का होगा यह परिवर्तन अथवा सुधार के स्वरूप पर निर्भर करता है। उत्पादन की नई प्रविधि लेबर इंटेंसिव होने की स्थिति में विनियोग की मात्रा कम होगी, परंतु उत्पादन की नई प्रविधि कैपिटल इंटेंसिव होने पर विनियोग में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पांचवा है जनसंख्या में वृद्धि या पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि अन्य बातें समान रहने पर उपभोग की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं और प्रेरित विनियोग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जनसंख्या कम हो जाने पर उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने से उद्योगपतियों को विनियोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। छठा है गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी नीति। किसी भी देश की सरकार की आर्थिक नीति विनियोग की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि सरकार की नीति उद्योगपतियों को भूमि, जल, विद्युत, कच्चा माल, आयात आदि के रूप में अधिक सुविधाएं प्रदान करना है तो विनियोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। हम यह देख ही चुके हैं कि सरकार की कर नीति का पूंजी की सीमांत क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
सरकार द्वारा अपनाई गई निरोधात्मक नीति विनियोग की मात्रा में वृद्धि को रोकती है। उम्मीद है कि आज के मेरे इस लेक्चर से आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी जानकारी मिल पाई होगी। धन्यवाद।